कर दे बंद कर दे, बंद कर दे, नहीं चलेगा। रेडियो मौली, आपके हाथ कोई चिट्ठी लगी है जिसे देखकर आप काफ़ी शॉक्ड हो रही, क्या है वो चिट्ठी बताना चाहेंगे? नंदिनी ने डिसाइड किया था कि वो कुणाल से दूर रहने के लिए घर छोड़ के चली जाए, और उसने उसमें चिट्ठी लिखी थी, बट उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था, बस ये लिखा था कि मैं तुम्हें बिना बोले जा रही हूँ। सो अब तो वापस आ गई है, लेकिन फिर भी मैं उसके बेडरूम में जाती हूँ, वो चिट्ठी मुझे मिल जाती है, पढ़ लेती हूँ। मैं आस्क की व्हाट इज़ दिस, सो मुझे बोलते कि अब छोड़ के, अब नई शहर छोड़ के जाऊँगी। इट वॉज़ ऐसे इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन था जो मैंने किया था अपने। किसी तरह की आपको हिंट मिलती है कि नंदिनी ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया होगा या कुछ? नहीं, मैं एक्चुअली खुद ही थोड़े से उदास स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, और एंड आई फील कि वो भी मतलब उसके लिए इतना न्यू है, अलग से रहना, सब कुछ खुद से मैनेज करना। सो किसी मुझे लगता है कि नंदिनी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव इंसान भी है, और साथ में उसने कभी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ देखी नहीं है, तो उस पर पड़ी है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी शी इज नॉट एबल टू मैनेज इट। उसके बाद काफ़ी खीर 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 हो रहा है, खीर के बारे में बताइए। खीर बनवाई तो थी कुणाल ने, बट फाइनली खाई वो मैंने, और सो दिस इज वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन बीच में उनसे सवाल भी करती हूँ कि मैंने तो तुम्हें सरप्राइज़ दिया, लेकिन तुमने खीर कैसे बनाई थी? वो जो भी जवाब देती है, मैंने उसकी कोई भी बात को बहुत सीरियसली लिया नहीं है। पीछे कुणाल तो यहाँ पहुँच ही चुके थे, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं था उस चीज़ का, लेकिन जब पता चलेगा किस तरह से मौली का रिएक्शन रहेगा, तब आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर इट। जब पता चलेगा, लाइक द ऑडियंस पीपल आस्क, जब पता चलेगा तो क्या होगा, इवन आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, तो आई डोंट नो। सो आई डोंट नो, थैंक यू।